जो शहबाज कह रहे थे कश्मीर बिना बात नहीं होगी, अब घुटनों पर चल कर आ रहे हैं मोदी से मिलने। यूएन में मोदी की बढ़ी धाक तो घबराया पाकिस्तान, कहा हम हैं भारत के पड़ोसी, हमें भी इज्जत दो। चीन ने किया कंगाल, इमरान ने बिगाड़े रिश्ते, अब शहबाज शरीफ लगने वाले हैं पीएम मोदी के गले। कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले पाकिस्तान की हेकड़ी मोदी ने निकाल दी। जो शहबाज कह रहे थे कश्मीर बिना बात नहीं होगी, वो खुद चलकर मोदी से मिलने आ रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तान की ओर से मोदी से मुलाकात का समय मांगा गया है, लेकिन अभी भारत सरकार ने समय दिया नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि भारत अगर ऐसा अनुरोध करेगा तो पाकिस्तान मना नहीं करेगा, लेकिन कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, बल्कि प्यासा खुद कुएं के पास पहुंचता है। इस वक्त कंगाल पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, इसीलिए शहबाज मोदी से मिलने को बेताब हैं। पहले जानिए कि ये मुलाकात कहां और कब हो सकती है, फिर बताते हैं कि ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है। उज्बेकिस्तान में 80वां शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें मोदी और शहबाज शरीफ दोनों जाएंगे। 15-16 सितंबर को दोनों एक जगह पर होंगे, इसीलिए मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद दोनों देशों में व्यापार बंद है, पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान हुआ है। 7 साल से दोनों देशों के पीएम नहीं मिले, साल 2015 में मोदी नवाज शरीफ से मिलने गए थे। उसके बाद इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो रिश्ते सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगे। इमरान खान ने कई बार भारत से रिश्ते सुधारने की पहल की, लेकिन आतंकवाद की जिद नहीं छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि इमरान को मोदी ने भाव तक नहीं दिया। अब शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान वाली हालत उनके साथ ना हो, इसीलिए SCO की बैठक में मिलना चाहते हैं। इससे पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी कुछ समय पहले उज्बेकिस्तान में ही हुई थी। पाकिस्तान पर अभी 43 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, आटा दाल चावल पेट्रोल सब महंगा है। शहबाज पीएम मोदी से मदद चाहते हैं, रियायती दरों पर सामान मिल जाए तो हालत सुधर जाएगी। भारत ने संकट में फंसे श्रीलंका बांग्लादेश यमन सबकी मदद की है, पाक भी यही चाहता है। पाकिस्तान का क्रेडिट इतना खराब हो गया है कि वर्ल्ड बैंक तक उसे कर्ज नहीं देने वाला। कर्ज चुकाने के लिए वो अपने इलाके बेच रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान चीन को दे सकता है। अगर ऐसी कोई शर्त पाकिस्तान भारत के सामने रखते तो उसे मदद मिल सकती है। हालांकि मानवता के आधार पर भी भारत कभी मदद देने से पीछे नहीं हटता। पाकिस्तान के भारत से रिश्ते सुधारने की दूसरी वजह भारत का दुनिया में धाक जमाना भी है। मेक्सिको के राष्ट्रपति मोदी के नाम का यूएन में प्रस्ताव लाने वाले हैं, जबकि यूएन में पाकिस्तान की हालत एक गरीब देश की है। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि भारत से रिश्ते अच्छे रहें तो दुनिया भर में हमें इज्जत मिलेगी। लेकिन जब तक वो आतंकवाद को खत्म नहीं करता, न तो भारत से रिश्ते सुधरेंगे और न ही दुनिया उसे कभी इज्जत की नजरों से देखेगी। वैसे इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।